हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम. जैसे कि आपने देखा, कल स्ट्रगल करते करते पहुंच गए पदुम अराउंड 6-7 बजे. और पहुंचने के बाद रेस्ट वेस्ट लिया और अभी सुबह के हो रहे हैं 7. और अभी उठने के बाद अभी जस्ट उठ के नहा धोवा लिए. बस अभी ब्रेकफास्ट करने नीचे जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर फिलहाल जाना है बाइक को वॉश कराने के लिए, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है. मेरे साथ भैया बैठे हुए. भैया, कल का एक्सपीरियंस बताओ. स्ट्रगल जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रगल जो हम लोग नॉर्मल राइड करते हैं, सब जगह इधर उधर जाते हैं, वो स्ट्रगल नहीं है. ये रियल स्ट्रगल था, उसपे भी एक लेयर ऊपर था वो. स्ट्रगल के ऊपर वाला स्ट्रगल होता है ना, वो मैंने एक्चुअली कल उस चीज को ना एक्सपीरियंस किया. मतलब एज ए न्यू राइडर, और आपको भी मैंने देखा एक्सपीरियंस करते हुए, जहाँ पे आप मेरी हेल्प करना चाह रहे थे वहाँ मतलब कर भी नहीं पा रहे थे. मतलब इस तरह से हम दोनों थके हुए थे. और ऐसे ट्रेन पे आप ना हल्की बाइक लेके आओ, आप हिमालयन लेके आओ, एक्सपल्स लेके आओ, बट मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक्सपीरियंस बाइक जो भी हो, मेरे ख्याल से मैंने पर्सनली देखा, एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो. हाँ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कम है, बट हल्की बाइक लेके आओगे, ऑफ रोड टायर डाल के लाओगे, तो आप इजी निकल जाओगे. लेकिन जैसे बड़ी बाइक है, जैसे मेरी बाइक है, उसमें ऑफ रोड टायर भी नहीं है और मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है ऑफ रोड का. मैं 2014 में चलाया हूँ, फिर उसके बाद अब चला रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट था. मतलब मैं शाय नहीं फील करूंगा बोलने के लिए कि नहीं नहीं मतलब, बट आपने जो भी हो, आपने बहुत मेहनत करके आप पहुंच गए यहाँ पे. हाँ, फाइनली जो भी हो, एंड आपका अच्छा हुआ, जो भी हो फाइनली एंड बहुत अच्छा हुआ. लेकिन ऐसा स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, और शायद मैं नहीं देखूंगा. हाँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख लग रहा था. मैं भी बोल रहा था बार बार, मैं आपको छोड़ के आना, मैं सोच रहा था कि लिप्स ड्राई हो रहे थे, मुंह सूख रहा था, पानी खत्म हो चुका था. हम गाड़ियों जो जा रही थी, 4-wheeler 4x4, उनसे पानी मांग रहे थे. रास्ते पानी नहीं मिल रहा था, लेबरर से हम पानी मांग रहे थे कि आप पानी दे दीजिए. बार बार मुंह सूख रहा था, बार बार गला चिपक जा रहा था. मतलब इमेजिन नहीं कर सकते जिस तरह का एक्सपीरियंस था वो यार. मतलब हैट्स ऑफ टू अस. आई डोंट नो वो कहाँ से विल पावर थोड़ा 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 आते गया और करते करते आया, लेकिन एक जगह पे ऐसे लग रहा था कि टूट जाएंगे. बट जो भी हो भैया, फाइनली पहुंच गए पदुम, और आज थोड़ा पदुम को एक्सप्लोर करते हैं. बाइक आपका भी वॉश करवाना है, तो भैया और मैं एक साथ ही निकलेंगे अभी बाइक को वॉश करवाने के लिए. और बाइक वॉश करवा के फिर आके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा लेट से निकलेंगे. आज का ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे. और एक चीज़, उसके पहले आपको ऊपर का एक व्यू दिखाएंगे, और पहले रूम का एक बार व्यू दिखा देते हो. अभी रूम में है तो रूम का दिखा देते, फिर ऊपर जाके आपको व्यू दिखाएंगे. सो ऐसा कुछ है हमारा रूम, इन सब में मत देखिएगा, क्योंकि राइडर का रूम ऐसा ही रहता है. और यहाँ से कल मैं यहाँ पे सोया था, यहाँ से ये व्यू देखो यार, मतलब व्यू देखो, मतलब ये पूरा जो माउंटेन है यहाँ से पूरा दिख रहा है. सो व्यू बहुत ही अच्छा है. मगर होटल सच में बताऊँ बहुत बढ़िया है. कल मतलब हमें एक ऐसा अच्छा होटल चाहिए था जहाँ पे प्रॉपर रेस्ट ले सके, और ऑलमोस्ट प्रॉपर रेस्ट हो चुका है. अभी निकलते हैं, पहले कार वॉश करवाते हैं, आई मीन टू से बाइक वॉश करवाते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं. सो मैंने जैसा कहा कि ऊपर का व्यू मैं आपको एक बार दिखाता हूँ. मतलब अब मैं काफ़ी जगह पर रहा हूँ यार, ऐसा व्यू मैंने कहीं नहीं देखा. कितना मस्त लग रहा है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ये होटल है जो कि पदुम में है. सो एक बार आप व्यू देखो पहले. इधर चारों तरफ, और इधर देखो स्नो कैप माउंटेन भी है, जबकि गर्मी का काफी ज्यादा है आज. मतलब तो बढ़िया लग रहा है. और अभी जाना है हमें उस वाले मॉनेस्ट्री पे, आपको दिखाते उस वाले मॉनेस्ट्री पे जाना है, और भी कुछ जगह एक्सप्लोर करना है. जो करते हैं फिर आपसे आगे मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे. तो भाई अभी बाइक को लेके आया हूँ वॉश करवाने, और यहाँ पे अभी होगा अपना बाइक का वॉशिंग पदुम में, क्योंकि मैं चाह रहा था मनाली में भी इसको वॉश कराऊँ, बट वैसा मौका ही नहीं मिला. बट आज पदुम में मौका मिल रहा है, तो सोचा कि बाइक बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसको एक बार वॉश कराते. यहाँ पे अपना बाइक, और इधर चल रहा है, लाइन लगा रहे हैं. बस अभी 2 मिनट में इसका सर्विस हो जाएगा, अरे झक्का झक बन जाएगा. Thank you.
भाई बाइक सर्विसिंग करा के तो आ चुके हैं, अभी टाइम है चेन लूपिंग का। सो चेन लूपिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डस्टी वाला एरिया है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, तो चेन लूप भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको अभी चेन को क्लीन करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ होगा अपना चेन क्लीन, फिर ये डलेगा चेन लूपिंग, जो कि कुछ ऐसे डालना पड़ता है भाई। टाइम हो रहा है 2:38 और बाइक वॉश करा के आके इतना अच्छा एक नींद आया भैया और मैं दोनों तगड़ा सो गए थे। सो फिलहाल जा रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने, और पहले लंच करेंगे फिर प्लान है कि थोड़ा घूमेंगे, तो पहले लंच करते फिर निकलते हैं। और ये कुछ अपना ऐसा होटल है जो कि इतना बढ़िया बना हुआ है, मतलब आपको क्या ही बताऊं, इस जगह हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होटल, बट हाँ सही में अच्छा बना है। सो भाई हो चुका है अपना लंच और अब सो अभी निकल रहे हैं यहाँ से सनी लेक, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है शायद। और एक अच्छी बात हो गया कि भैया का जो फ्रेंड था जो मनाली में छूट गया था वो भी उनको मिल गया, तो अब शायद तीनों लोग हम लोग जा रहे हैं सनी लेक। सो भाई अभी जा रहे हैं सनी लेक, जहाँ पे बहुत फेमस एक बुद्धा जी का स्टैचू है, तो वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर है वो, और सामने का भाई नज़ारा देखो, हल्का हल्का क्लाउड, माउंटेंस, इधर भी माउंटेंस और इधर स्नो पिक, हल्का सा माउंटेंस, मतलब हल्का स्नो है माउंटेन पे पिक पे, बट यहाँ पे हल्का गर्मी है भाई, मतलब टेम्परेचर जो है वो 24-25 ऐसा कुछ होगा, बट हवा है काफ़ी तेज़, लेकिन वेदर अच्छा है, मतलब राइडिंग के लिए मस्त वेदर है। पहुँचे बुद्धा के सामने, एक बार आप नज़ारा देखो, ये है कुछ ऐसा हमारा बाइक यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से चल के जा रहे हैं, और सामने का नज़ारा यार कितना खूबसूरत है, मतलब ये छोटा सा एक लेक है जिसे सिनी लेक कहते हैं, सामने इधर बुद्धा जी का स्टैचू, अभी जाएंगे सामने फिर आपको दिखाएंगे, सुंदर है यार अपना इंडिया कितना सुंदर है। और इस जगह को मैं इतना सुंदर क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये बुद्धा जी का स्टैचू, यहाँ पे मतलब पूरा चारों तरह से पहाड़ ही पहाड़, मतलब क्या ही बताओ आपको, इतना सुंदर है ये जगह, और जस्ट इन पहाड़ों के बीच में ये कुछ एरिया बना हुआ है ग्रीनरी के साथ, अच्छा कहता देखो यहाँ पे पूरा इंतजाम किया हुआ है कि लोग आराम से स्टेज में नीचे जा पाए। बस यहाँ पे अभी अंदर आया तो कितना सुंदर एक वाटरफॉल है, मतलब एक लेक है इसका हल्का सा फ्लोट भी चल रहा है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है, आप देखो यहाँ पे खड़े होके कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब हल्का हल्का आवाज़ पानी का, और बस मतलब क्या ही बताऊँ आपको, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, आपको बोल नहीं सकता, मन कर रहा है यहीं बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। अभी बैठा हूँ भगवान लॉर्ड बुद्धा जी के स्टैचू के सामने, और क्या नज़ारा है, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत है ये जगह, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखो यार कितना सुंदर है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना सुंदर है ये जगह, और सामने का ग्रीनरी तो आपने देख लिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एक छोटा सा लेक। सो भाई हो गया है यहाँ पे अपना फोटोग्राफी और अच्छे अच्छे वीडियोस ले लिए,
आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ से आप निकलते हैं और निकल के सीधा चलना है मॉनेस्ट्री। कौन सा मॉनेस्ट्री है आगे आपको बताते हैं। तो ये पदुम से पहले थोड़ा रस्से का काम चल रहा है और ये मेटलिंग जस्ट अभी अभी किया है तो इस वजह से काफ़ी ढीला है, ये मतलब हिल रहा है बाइक पूरा। तो कोशिश करो कि कोई टायर के मार्क के ऊपर से जाने का। सो भाई यहाँ पे आए हैं पेट्रोल पंप पे। पदुम में सिर्फ दो ही पेट्रोल पंप है, ये तो पेट्रोल नहीं है, ये बोल रहे शाम को मिलेगा। बट और एक है उसमें ट्राई करते हैं, बट वो बोल रहे कि खुला है कि नहीं पता नहीं है, बट जो भी हो कोशिश करते हैं इसमें, ये तो शाम को आके भरवा लेंगे। सो हम अभी जा रहे हैं कश्यप मॉनेस्ट्री और उसे जाने के लिए फिर से हमें पदुम पहुँचना पड़ेगा, जो मेन मार्केट है वहाँ से जो लेफ्ट रास्ता जाता है वो है कर्शियंग मोनेस्ट्री के लिए। और आप जब पदुम से आगे निकलोगे कर्शियंग मोनेस्ट्री के लिए, ऐसे छोटे छोटे से गांव काफ़ी है यहाँ पे और बहुत पुराने घर बने हुए इधर। भाई ये रोड देख रहे हो, एकदम सीधा रोड है और वो है हमारा कर्शियंग मोनेस्ट्री। बट रोड यार मक्खन बने हुए, मतलब इतना सुंदर रोड है ये क्या ही बताओ आपको। कर्शियंग मोनेस्ट्री पहुँचते पहुँचते इधर देखो धूप और इधर देखो भाई बारिश ही बारिश, मतलब तगड़ा वाला बारिश हो रहा है ऊपर शायद, और यहाँ भी हल्का हल्का बूंदा बूंदी चालू हो चुका है। अभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, इधर देखो पूरा क्लाउड और इधर का वेदर देखो यार कितना ही खूबसूरत है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो बस पहुँचने ही वाले हैं कर्शियंग मॉनेस्ट्री, जो कि आपके सामने इतना खूबसूरत सा बना हुआ है। और ये मॉनेस्ट्री दिखने में ना ऐसा लगता है पहाड़ों में किसी ने जस्ट कुछ फोटो चिपका दिया हो, ऐसा लग रहा है दिखने में। और ये काफ़ी ऊपर है, ऐसा नहीं कि एकदम नीचे है। और ये हम विलेज में भी पहुंच गए, जो कि मोट विलेज या कुछ लिखा हुआ था, बट जो भी हो कितना सुंदर लग रहा है यार दिखने में ये। इनके ऊपर ये कलर क्यों देके रखे हैं? हेलो मैं अबे कूद मत। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कर्शियंग मॉनेस्ट्री जो है इसके पूरा ऊपर तक गाड़ी जाती है और बाइक भी चढ़ती है, तो आप कंफ्यूज नीचे मत हो जाना, बस रोड को फॉलो करना, आप यहाँ तक पूरा पहुँच जाओगे क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, आप बिना देखे मत जाइएगा। तो हम भी पहुंच गए ऑलमोस्ट पार्किंग पे और देखते कितना आगे तक लेके जा सकते हैं बाइक, जहाँ तक लेके जा सकेंगे वहाँ तक लेके जाएंगे। सो पहुंच गए कश्यप मॉनेस्ट्री बाइक लेके, मतलब इतना ऊपर हमने सोचा भी नहीं था कि पहुंच जाएंगे, बट फाइनली पहुंच गए। और ओ भाई सामने का रेनबो देखो यार कितना खूबसूरत है। कोई बात नहीं, ये साइड से थोड़ा मिट्टी तरह हल्का था तो डब गया, कोई बात नहीं है उसको उठाते। उधर पकड़ो पेनियन, टॉप बॉक्स में पकड़ो। नहीं नहीं रुको एक सेकंड बस हो गया छोड़ दो। हाँ मैं इसको घुमा इधर ही लगा देता हूँ। सो फाइनली पहुँच गए कर्शियंग मॉनेस्ट्री। यहाँ पे पहुँच के इतना अच्छा लगा है, मतलब क्या ही बोलूँ। और जो मॉनेस्ट्री है वो कुछ ऐसा है, सामने से यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और मॉनेस्ट्री जो है वो बहुत ही पुराना, ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना मॉनेस्ट्री है ये। कभी भी पदुम आते हैं तो इस मॉनेस्ट्री में ज़रूर आना। और इस मॉनेस्ट्री में आने के लिए आपको डायरेक्ट आपका गाड़ी मॉनेस्ट्री के सामने लगेगा। आप नीचे से देखोगे तो पता चलेगा कि आपको ट्रैक करके आना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सीधा ऊपर आना है। तो क्या ही बढ़िया लग रहा, मतलब ये स्नो कैप माउंटेन्स देखो। और मतलब पदुम से तो ये दिखता भी नहीं है, बट यहाँ से भाई क्या लग रहा है। और सोने पे सुहागा, यहाँ पे है अपना रेनबो जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा कि कितना खुशी लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो नीचे का जो गाँव है वो कुछ ऐसा है, यहाँ से काफ़ी नीचे है और कैमरा में समझ भी नहीं आ रहा होगा,
सोचा था कि आप आएंगे इधर आ जाओ। मैं तो सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा था पादुम रुकूंगा और सुबह निकल जाऊंगा। बट यहाँ पे नीचे से भी जब दिख रहा था ना, लग रहा था कि ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग आधे रास्ते से आए और थोड़ा वो कैटल्स दिख रहे थे, हम वापस गए और फिर ऊपर से माउंट थे, उन्होंने बोला कि इधर से घूम के आओ। तब उन्होंने रास्ता दिखा दिया तो हम पहुंच गए। तो हमने बोला चलो जाते हैं, बारिश हो रही है कुछ भी, हम रुकेंगे वहाँ पे, बच जाएंगे। पर आके यार सच में बहुत मजा लगा है, बहुत पूरा मतलब ये वैली पूरा दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, इतना बढ़िया सा ये रिवर दिख रहा है। मतलब देखो रिवर वहां से चल के इधर से आके, और ये पादुम के आसपास जितने भी घूमने का जगह है सब सामने सामने है। क्या बोलते हो भैया, ज्यादा दूर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 5-7 किलोमीटर में सब कुछ है। हाँ उधर भी शायद कोई विलेज वगैरह होगा जो कि कुछ यहाँ पे अच्छा। तो मैं कल मतलब सोच रहा हूँ कि लामायुरु होके लद्दाख जाऊँ, ले जाऊँ, सॉरी लद्दाख में तो है ऑलरेडी, बट ले पहुँचूँ। बट देखते हैं रात को बैठेंगे क्या प्लान बनता है, और फिलहाल यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं और घूम के फिर आगे नीचे जाते हैं। सो यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, और यहाँ से ऊपर जाते हुए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। सो चलते हैं आगे और देखते हैं, बट मज़ा आ रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ का रास्ता है, और भाई ये है मॉनेस्ट्री का टॉप, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं ऊपर। इधर से देखो, इधर से दिखने से लगता है कि नीचे गए, गिरे तो नीचे गए हो भाई, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर रोड बने हुए। भैया इधर से होगा शायद, यहाँ पे पहुँच गया मॉनेस्ट्री पे, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आते आते हमें आधा घंटा लेट हो गया और मॉनेस्ट्री बंद हो गया। बट जो भी हो यहाँ तक पहुँच गए तो बाहर से माथा टेक के जाएंगे। ये मॉनेस्ट्री कुछ ऐसा, यहाँ पे मेन टेम्पल, बहुत सुंदर है ये जगह बहुत, और इतना शांति है ना यहाँ पे, मतलब क्या ही बताओ आपको। और यहाँ से एक जो नज़ारा है, मतलब आप सोचो क्या ही बढ़िया लगता होगा। स्नो के माउंटेन्स, और ये है आपका पदुम, ये कुछ घर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, और हम लोग वो नीचे से रास्ता जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से होते 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 बस यहाँ पहुँच गए। सो फाइनली यहाँ पे लामा थे, उन्होंने हमारी बात सुन ली और उन्होंने टेंपल खोल के दे दिया। चप्पल बाहर रख दे, यहाँ रख देना। सो ये ऐसा कुछ है यहाँ पे, और हाँ सो ऐसा कुछ है, हम देखते हैं फिर आपको बताते हैं। सो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं हूँ अभी अपने रूम पे, और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया क्योंकि पूरा दिन रेस्ट किया, हल्का फुल्का जो जहाँ जाना था वहाँ गए, फिर वहाँ से आए आराम से रेस्ट लिया, उसके बाद अभी गए थे डिनर करने। सो डिनर भी हो चुका है अपना फुल, और डिनर करके अभी रूम पे आए, तो अभी टाइम है सोने का, तो अभी सोते हैं जल्द से जल्द। और कल का सफ़र बहुत टफ है, सो कल का मैं कल सुबह आपको बताऊँगा कि मैं कौन से रोड से जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। सो अगले वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।